सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद देता हूँ और इस जश्न में पढ़ने का मुझे मौका मिला इसके लिए सुरूर भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप ही की समात की नज़र कर रहा हूँ। ये चार मिसरे, एक मतला और दो शेर समात फरमाए हजरात। एक बार बावाज़े बुलंद नारे सलवात। शोहरत न रोबो दिरहमों दीनार के लिए, शोहरत न रोबो दिरहमों दीनार के लिए, जश्ने रजा मनाइए किरदार शोहरत न रोबो दिरहमों दीनार के लिए, जश्ने रजा मनाइए किरदार के लिए। और आप सभी आजादार की नजर इस शेर को कर रहा हूं। ये जितने सामईन हजरात आए हैं एक बार सलवात भेजें जरा। जश्ने रजा मनाइए किरदार के लिए, तो दोजख बनी है दुश्मन हैदर के वास्ते, दोजख बनी है दुश्मन हैदर के वास्ते, अरे जन्नत सजी है शेह के आजादार के लिए, जन्नत सजी है शेह के आजादार के लिए। और इसी शेर को दूसरी तरह से भी पेश किया है। जन्नत सजी है शेह के आजादार के लिए, तो रूमाल जहर के गमे हुसैन, रूमाल जहरा और यश के गमे हुसैन, अरे जन्नत भी कम है शेह के आजादार के लिए। सलवात भेजें जरा। दो तीन शेर पेश कर रहा हूं। करबला वालों की जितनी बेकसी बढ़ती गई। नजीर भाई बतौर खास इस शेर को शुरू में पेश कर रहा हूं। करबला वालों की जितनी बेकसी करबला वालों की जितनी बेकसी बढ़ती गई, अरे और उतनी कुव्वते पैगंबरी बढ़ती गई, और उतनी कुव्वते पैगंबरी बढ़ती गई। और इस शेर को बतौर खास पेश कर रहा हूं कि आफरी है जानिसाराने हुसैन इब्ने अली, आफरी है जानिसाराने हुसैन इब्ने अली, अरे मौत से खेला किए और जिंदगी बढ़ती। मौत से खेला किए और जिंदगी बढ़ती गई, और
और पूरी समाज को इस शेर को नजर कर रहा हूं कि हमने देखा है शबे आशूर ऐसा मोजज़ा। हमने अगर पसंद आए तो दाद जरूर दीजिएगा कि हमने देखा है शबे आशूर ऐसा मोजज़ा कि शम्मे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। हमने देखा है शबे आशूर ऐसा मोजज़ा शम्मे गुल होती गई और शम में गुल होती गई। सलवात भेजें हजरात। चार मिसरे पेश कर रहा हूं, उससे पहले थोड़ा सा तमहीद कर लूं कि एक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जनाबे अब्बास को जोहर के बाद ही क्यों भेजा गया। समाप्त फरमाइएगा नैयर भाई कि जोहर के बाद ही क्यों भेजा गया जबकि पहले भी भेज सकते थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 12 बजे से पहले जो है साया इंसान का आगे चलता है और जिस्म जो होता है वो पीछे होता है, और 12 बजे के बाद जिस्म आगे हो जाता है और साया पीछे चलता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए चार मिसरे मैं पेश कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो मुझे जरूर दुआओं में याद रखिएगा। एक बार बावाज़े बुलंद नारे सलवात। सबक मिला है ये ईसार की कहानी से, सबक मिला है ये ईसार की कहानी से। अरे या यूं कहूं इसे अब्बास की जवानी से। नजीर भाई दो मिसरों में पूरी तवज्जो चाहता हूं। या यूं कहूं इसे अब्बास की जवानी से, अरे इसीलिए तो भरी मश्क उसने जोर के बाद, इसीलिए तो भरी मश्क उसने जोर के बाद। अरे किला भी साए के मस हो न जाए पानी से, किला भी साए के मस हो न जाए पानी से। सलवात भेजे हजरात। दो तीन शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाए। जंग करने की मतलब मुलादा फरमाइए हजरात। जंग करने की जो पा जाते इजाजत अब्बास, बतौर खास मतलब पेश कर रहा हूं। जंग करने जो पा जाते इजाजत अब्बास, तय था आशूर को आ जाती कयामत अब्बास, तय था आशूर को आ जाती कयामत अब्बास। तो तेरे हो कौन ले सकता है शाबीर से बैयत अब्बास, कौन ले सकता है शाबीर से बैयत अब्बास। और आखिरी शेर पेश करूं, एक बार सलवात का सहारा दें हजरात।
कि मकसद कर्बो बला पेश नजर थी वरना, मकसद कर्बो बला पेश नजर थी वरना, एक हमले में उलट जाती हुकूमत आबाद, एक हमले उलट जाती हुकूमत आबास। दो तीन शेर ममदूह की शान में पेश कर रहा हूँ, आखिरी कलाम में मेरा ये। एक बार सलवात का सारा निजरात, मतलब मुलाज फरमाइया जरा। एक बार और बाबा से बुलंद नारे सलवात, या नबी राहे जना इसलिए ईरान में है। नजीर भाई मतलब मुलाज़ फरमाए, या नबी राहे जना इसलिए ईरान में है, या नबी राहे जना इसलिए के जिस्म का टुकड़ा जो खुरासान में है। या नबी राहे जिना इसलिए ईरान में है, अरे आपके जिस्म का टुकड़ा जो खुरासान में है, और आप हैं नूरे रिसालत के इमामत के अमीन, आप हैं नूरे रिसालत के इमामत के अमीन, अरे आपके मुंह से जो निकला वही कुरान में है, आपके मुंह से जो निकला वही कुरान में है। और आखिरी शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, एक बार बाबा से बुलंद नारे सलवात, कि शेर तस्वीर में हो और मुजस्सम हो जाए। नैयर भाई, शेर तस्वीर में हो और मुजस्सम हो जाए, रब हो राजी बा रजा गर तो ये इम्कान में है, रब हो राजी बा रजा गर तो ये इम्कान में है। और अपनी माँ बहनों के लिए आखिरी में जाते आते चार मिसरों का पेश कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे इस चार मिसरे पसंद आए तो आप हजरात दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। एक बार सलवात भेज रहे अपनी माँ बहनों के लिए, मैं इस चार मिसरे को पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास चार मिसरे। कुरान पढ़े तो मानियो तफहीम के लिए, सुरूर भाई बतौर ख़ास इस चार मिसरे को पेश कर रहा हूँ, कि कुरान पढ़े तफहीम के लिए, अरे गर हो हुसूल इल्म तो तालीम के लिए। और बतौर खास दो मिसरों में तवज्जो चाहता हूं, कि गर हो हुसूल इल्म तो तालीम के लिए, और किरदार फातिमा से जो सीखे ये बेटियां, किरदार फातिमा से जो सीखे ये बेटियां, उठना पड़ेगा बाप को ताजीम के, उठना पड़ेगा बाप को ताजीम।